हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अमृता किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेनिला टी केक इन ग्लास। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हमेशा केक रेसिपी, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप शुगर पाउडर, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। जो आज की रेसिपी है इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, इतनी ज़्यादा टेस्टी है, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम इन्हें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा। हम इसमें आज रवा नहीं डालेंगे, हम इसमें आज ऐड करेंगे 2 कप मैदा। अब हम इसमें 1 कप मिल्क ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ डालने से क्या होता है कि कभी कभी हमारा पेस्ट पतला भी हो जाता है या गाढ़ा होता है तो हम और डाल सकते हैं, पर अगर हमारा पेस्ट पतला हो गया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि केक के लिए बैटर होना चाहिए वैसा बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वेनिला। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए हमें इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। आप चाहें तो विनेगर भी डाल सकती हैं या आप लेमन जूस डाल सकती हैं। उससे पहले हम इसे कढ़ाई गरम करने रख देंगे। ध्यान रखें कि कढ़ाई आपकी मोटे तली वाली हो, नहीं तो आपका केक जल सकता है। हम इसमें ऐड करेंगे 1 इनो पाउच, जो हम पूरी डालेंगे और मिला देंगे। आज हम बनाएंगे इन ग्लासों में केक, तो सबसे पहले हमने जो है ग्लास में ऑयल लगाकर पहले से ही तैयार कर लिया है। अब हम इसमें जो अपना बैटर है हमारा तैयार है उसे हम डालें। ध्यान रखेंगे जो बैटर है हम आधा आधा गिलास ही भरेंगे, नहीं तो हमारा जो केक है ज़्यादा निकल जाएगा बाहर तो हमारा केक ख़राब हो जाएगा। अब हम इसे सेट करने के बाद एक थाली में रख देंगे और अब हम इसे रखेंगे हमारी पहले से ही गरम कढ़ाई में। फिर से मैं कहूँगी कि आप जो कढ़ाई मोटी तली वाली लें, नहीं तो आपका केक ख़राब हो सकता है। अब हम इसे 20 से 30 मिनट तक बेक होने देंगे। देखिए, तो 20 से 30 मिनट हो चुके और हमारा जो केक है बिल्कुल कंप्लीट हो गया और बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। तो इसे निकालने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि इसे अच्छे से ठंडा होने दें। अगर ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं होगा तो आपका केक अच्छे से नहीं निकलेगा। तो देखिए, केक निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप उसे अच्छे से ऊपर से प्रेस कीजिए जिससे आपका केक निकल आए। तो देखिए कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट केक बनकर रेडी है। आप इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए और इसका आनंद लीजिए। आपका केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।